तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में। और यह है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 57। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी टॉक का अनदर एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिस्वक सेन की आने वाली साउथ हिंदी डब्ड फिल्म दास का धमकी की हिंदी रिलीज डेट से। तो फ्रेंड्स, दास का धमकी जिस मूवी की हिंदी रिलीज डेट को अब ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया, जहाँ पर इस मूवी को 14 अप्रैल 2023 की यानी कि इसी महीने की 14 तारीख की डेट दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी जो है इसी महीने की 14 तारीख यानी 14 अप्रैल से सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस मूवी का मामा बोल नाम का हिंदी फुल वीडियो सॉन्ग भी जो है सारे गामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज करवा दिया गया है। दास का धमकी मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन में बिस्वाक सेन के कैरेक्टर को हिंदी वॉइस दी है अभिषेक सिंह ने। I'm from very decent family, sir. अगर पता चला डॉक्टर ने तेरी मार ली तो कैसा लगेगा। द कंप्लीट एक्टर मोहनलाल की आने वाली पेन इंडिया फिल्म मलाई कोटाई वाली मैन। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का एक अनाउंसमेंट पोस्टर जारी किया है और इसमें जो फर्स्ट लुक पोस्टर है उसको रिलीज किया जाएगा 14 अप्रैल को। मेगा स्टार ममूटी की आने वाली न्यू फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया, जहां पर इस मूवी को टाइटल दिया है बजूका। और इस मूवी का एक फर्स्ट लुक पोस्टर भी आउट कर दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरीश कल्याण, नादिया और इवना स्टार अपकमिंग तमिल फिल्म LGM यानी कि लेट्स गेट मैरिड, इस मूवी का भी फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया है। और ये मूवी जो है धोनी एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन नंबर 1 है। और आप इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमिल सुपरस्टार धनुष और डायरेक्टर मारी सेल्वराज की फिल्म कर्नन, इस मूवी को जो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के मौके पर धनुष और डायरेक्टर मारी सेल्वराज ने अपनी न्यू फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, धनुष और मारी सेल्वराज का कॉम्बिनेशन फिर से देखने को मिलने वाला, जहां पर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं खुद धनुष यानी कि बंडरवार फिल्म्स इसको प्रोड्यूस करेगी और इसको को प्रोड्यूस करेगी जी स्टूडियोज। और फ्रेंड्स, ये मूवी जो है बंडरवार फिल्म्स का प्रोडक्शन नंबर 15 होने वाला है। और धनुष की इस फिल्म की जो शूटिंग वगैरह है उसको स्टार्ट करवा दिया जाएगा ध्रुव विक्रम की आने वाली फिल्म के बाद, यानी कि ध्रुव विक्रम की आने वाली जो फिल्म होगी उसको भी डायरेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर मारी सेल्वराज। पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब, तो फ्रेंड्स फाइनली अभी कंफर्म हो चुका है वकील साहब मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, यानी कि वकील साहब 2 इस मूवी जो है कंफर्म कर दिया गया है। आने वाले टाइम में हम सभी को वकील साहब पार्ट 2 देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे बेनू श्रीराम, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आने वाले टीजर्स के बारे में और आ चुके ट्रेलर के बारे में। तो फ्रेंड्स, साई धरम तेज की आने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म ब्रूपाक्स, इस मूवी जो ट्रेलर है वो रिलीज करवा दिया गया, जहां पर इस मूवी के ट्रेलर को 11 अप्रैल को सुबह 11:07 पर रिलीज करवा दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज करवाई जाएगा 21 अप्रैल से सिनेमा घरों में, जहां पर ये मूवी जो है तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी देखने को मिल जाएगी। अपकमिंग तेलुगु फिल्म उस्ताद, इस मूवी जो शूट है उसको खत्म कर लिया है और इस मूवी जो टीजर है वो देखने को मिलेगा 12 अप्रैल को सुबह 7:36 पर। सुधीर बाबू की आने वाली तेलुगु फिल्म मामा मस्जिदा, जिसके अंदर सुधीर बाबू जो ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे, इस मूवी जो टीजर है वो रिलीज किया जाने वाला है 14 अप्रैल को। चियान विक्रम की आने वाली पैन इंडिया फिल्म तंगलान, इस मूवी जो ग्लिम्स है वो देखने को मिलेगा 17 अप्रैल को, यानी कि 17 अप्रैल को चियान विक्रम के बर्थडे ओकेशन पर इस मूवी का एक ग्लिम्स या फिर काइंड ऑफ टीजर देखने को मिलेगा 17 अप्रैल को। और फ्रेंड्स, इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज करवाया जाएगा, जहां पर इस मूवी को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ तेलुगु हिंदी मलयालम कन्नड़ा भाषा में रिलीज करवाई जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अखिल अकिनेनी की आने वाली पैन इंडिया फिल्म एजेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, एजेंट जो कि रिलीज होने वाली 28 अप्रैल से सिनेमा घरों में पैन इंडिया लेवल पर। तो फ्रेंड्स, एजेंट मूवी से लेकर अपडेट निकल कर आई है कि इस मूवी के अंदर हम सभी को उर्वशी रोतेला का एक डांस नंबर देखने को मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, उर्वशी रोतेला जो है एजेंट मूवी के अंदर एक आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आने वाली है। और उर्वशी ने इससे पहले मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म वाल्टर वीरैया में भी आइटम सॉन्ग किया था। और रामपुत नैनी की आने वाली पैन इंडिया अनटाइटल्ड फिल्म भोयापति रावो मूवी के अंदर भी जो है उर्वशी का आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।